हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही खट्टी मीठी चटपटी इमली की चटनी, वो भी मार्केट स्टाइल में, हलवाइयों जैसे। इसके लिए मैंने आधी कटोरी गुड़ को 2 घंटे भिगो के रख दिया था, और यह है आधी कटोरी गुड़। सोंठ पाउडर, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, काला नमक, मिर्च पाउडर, और ये है सादा नमक। उसके अलावा खजूर, मगज, किशमिश, ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है। मैंने इमली को 2 घंटे भिगो दिया था, अब मैंने उसका पल्प निकाल लिया है। पल्प निकालने के लिए मैंने 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया और भिगाया मैंने 1 कटोरी पानी में, मतलब ये कम्प्लीटली 2 कटोरी पानी से बना हुआ इमली का पानी है। उसके बाद मैंने उसे छान लिया है, अब मैं इसे पका रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ गुड़। गुड़ डाल के मैं इसको लगातार चलाऊँगी और इसे मतलब ऑलमोस्ट आधा होते तक पका लूँगी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी है, इसके बिना समोसे, ढोकला, कचौरी, चाट, भेल, सारी चीज़ें अधूरी हैं। अब चटनी काफ़ी अच्छे से पक गई है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोंठ पाउडर, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, मिर्च पाउडर, काला नमक और सादा नमक। मैंने यहाँ पे दोनों नमक का इस्तेमाल किया है, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अब मैं इसको अच्छे से मिलाते हुए गाढ़ा होते तक पकाऊंगी। ये चटनी बना के आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खजूर को बारीक टुकड़ों में काट के, और किशमिश को भी डाल रही हूँ। उसके अलावा मैं इसमें डालने वाली हूँ मगज के बीजे। ये किशमिश, खजूर, मगज ऑप्शनल है। मैं मार्केट स्टाइल हलवाई जैसे बना रही हूँ, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बिना भी चटनी बहुत टेस्टी लगती है, आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं। अब मैंने 1 स्पून मगज के बीज डाल दिए, डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे ही खाना है, मतलब तुरंत खाना है, तो इसे ऐसे पतली रहने देना, बट मैं इसे स्टोर करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे गाढ़ी होते तक पकाऊंगी। अब मैं इसे चलाते हुए गाढ़ी होते तक पका रही हूँ। चटनी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसे चेक कर रही हूँ ये बना है कि नहीं बना है। मैंने इसे बाउल में डाला है, डाल के मैं दोनों फिंगर से दबा के देख रही हूँ, तो एकदम चिपचिपी है ये, और कटोरी से फैल भी नहीं रही है, मतलब चटनी बनके रेडी है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। ये ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे से फूल गए, जब ये खाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। आप भी ये खट्टी मीठी चटपटी चटनी बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।